गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दिया गया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यही था क्वेश्चन ना, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 20% WW NaOH। यानी कि आपको दिया गया था 20% WW, यानी कि वेट बाई वेट परसेंट, क्या था वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना था? मोलैलिटी। लास्ट क्लास हमने आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस बताया था। हाँ, मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जब हम मोलैरिटी डिफाइन करते हैं तो हम किस में डिफाइन करते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में। बट मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। फिर हमने इसका फॉर्मूला लिखाया था, एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम किसे प्रेजेंट करते हैं? 2 से। तो एन टू का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को किससे प्रेजेंट करते हैं हम? 1 से। वो भी किस में होना चाहिए? इन किलोग्राम। फिर हमने कहा था अगर हमें मास दिया, मोल्स ना देके क्या दिया हो? मास। तो उस केस में हम इसको क्या बना लेंगे? मास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं क्या? तो देखिए N2 को हम क्या लिख लेंगे? W2 अपॉन MM2 लिख सकते हैं। अभी देखिए जो मास ऑफ सॉल्वेंट ये किस में? किलोग्राम में। लेकिन इन जनरल मेरे क्वेश्चंस में हमेशा किस में होते हैं? हाँ, ग्राम में। तो हम क्यों नहीं इसको ग्राम बना दें? तो बताइए किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाई 1000 करना होगा। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। हमें जो डिटेल्स दिया गया है वो है 20% WW, राइट। इसका मतलब क्या होता है? वेट बाई वेट परसेंट का मतलब। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो आप मान लेंगे लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि W3 इज 100 ग्राम। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 कितना होगा? कितना परसेंट है? 20%, यानी कि वो कितना होगा? 20 ग्राम होगा। देखिए आपके क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो तो मिल गया आपको। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेंगे। और क्या चाहिए हमें? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। इसमें बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है? कोई नहीं, हम निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए रिलेशन तो पता ही है क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट पर आपको 20 ग्राम। तो बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। तो बस इस वैल्यू उड़ा के यहाँ रख दीजिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया था हमारा? 20 ग्राम इन 2000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। देखिए सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया? 39, हाइड्रोजन 1 यानी कि 40 इंटू, हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हमने माना है? 100 ग्राम, सॉरी हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा? 80 ग्राम। सो लेट्स राइट डाउन हियर 80। अब ये क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ए 0 से 6 कैंसिल कर दीजिए, और क्या कर सकते हैं, इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 हो जाएगा, फिर इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए ये 50 हो जाएगा। यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 50/8। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 6 48 देन डेसिमल 6.25। क्योंकि मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, यूनिट क्या होगी? मोलल, या फिर 6.25 मोल पर, बताइए मोल पर किलोग्राम होना चाहिए मोल पर लीटर? हाँ मोल पर किलोग्राम होगा। देखिए ये भी यूनिट इसका होता है। सिंपल था, कर लिया आपने। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन था, ये उस होमवर्क क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन. अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 120 ग्राम एसिटिक एसिड इन 180 ग्राम वाटर. ठीक है, हमें जो जो डिटेल्स लिखा है लिख लेते हैं. हम 120 ग्राम एसिटिक एसिड को मिलाते हैं किसमें, 180 ग्राम वाटर में, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट W2 कितना है, 120 ग्राम. अब बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें हमने मिक्स किया वो कितना है, 180 ग्राम. यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? और देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी. ध्यान है हमसे क्या करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी इफ द डेंसिटी इज गिवन 1.2. चलिए हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1.2 ग्राम पर मिली लीटर और हमसे मोलैरिटी निकालने के लिए कह रहा है. बताइए मोलैरिटी का फॉर्मूला. हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब ध्यान से देखिए, क्या हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें दिया है, नहीं. क्या दिया, मास ऑफ सॉल्यूट ना, क्यों ना हम मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला लगा ले. तो देखिए उसके लिए क्या लिखेंगे हम, N2. मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना. अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया आपका, लीटर में. हम इसे किससे बना लेंगे, मिलीलीटर में. तो उसके लिए बताइए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 1000. तो ठीक है, अब हमें देखिए क्या क्या चाहिए. हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए. एसिटिक एसिड है ना, इसको कैलकुलेट कर लीजिए. देखिए कितना आ रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MM2 कार्बन कार्बन 24 28. हाँ ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, 60 आएगा. इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 60. यानी कि ये भी हमें पता है, नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है. हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो तो हमें पता ही नहीं है, बिना उसके हमारा काम हो भी नहीं सकता. अब देखिए हमें क्या दिया है, डेंसिटी. जब भी डेंसिटी दिया हो आप तुरंत डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के वहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए कैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम. अब देखिए क्योंकि हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया है तो हम लिख लेंगे D3. तो देखिए मास किसका भी लेंगे हम, सॉल्यूशन का, यानी कि W3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, V3. तो देखिए D3 आपको दिया है 1.2 ग्राम पर ml. अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन इसमें दिया है, नहीं दिया है. क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं. देखिए कैसे निकालेंगे, W1 पता है, W2 पता है, तो बताइए W1 प्लस W2 किसके इक्वल होता है, W3 के. इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करिए, W3 देखिए आ जाएगा 300 ग्राम. इनको इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 300 ग्राम. तो बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन V3. V3 तो हमें कैलकुलेट करना है किसमें, मिलीलीटर में. कैसे पता चलेगा, देखिए आपको जो डेंसिटी दी गई है दैट इज गिवन इन ग्राम पर मिलीलीटर, यूनिट में दिया है ना, यानी कि आपको मास किस में रखना है, ग्राम में. वॉल्यूम किस में रहेगा, मिलीलीटर में. तो ये तो हमने ग्राम में कैलकुलेट करके लिखा ही है, ये मिलीलीटर में आंसर आएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए V3 का वैल्यू आ जाएगा 300 अपॉन 1.2, जिसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बन जाएगा 3000 अपॉन 12. इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, देखिए V3 की वैल्यू आ गई है आपकी 3000 अपॉन 12. इस 3 से इसको कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 4. इसको भी डिवाइड करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 250. क्या आएगा, ये मिलीलीटर में आएगा. आ गया ना, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख लीजिए अब अपने फॉर्मूले में. देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 120 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया था हमने कितना, 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर, पीछे कैलकुलेट किया हमने कितना आया, 250. आप इसको इससे डिवाइड करिए, 62 जा, आप इससे इसको डिवाइड करिए, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 24 जा 8, आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 मोलल. क्या मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना,
हाँ तो ये हो जाएगी 8 मोलर, आप चाहें तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए 8 मोलर। एक बात आपको याद रखना है, जब आप मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट क्या लगाएंगे आप, मोलर। जब मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या लगाएंगे वहाँ पर, मोलल, सही है। या फिर दूसरी यूनिट इसकी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपने रिसर्च कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लीजिए। आंसर 8 मोलर दिया, 8 मोलर दिया था। चलिए अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, आपको डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डेरिवेशन देखेंगे, समझेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। हाँ, वहाँ से जो एक रिलेशन हम बनाएंगे वो रिलेशन आपके काम का होगा, वो याद रखना आपको। देखिए अब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी है ना, दोनों में रिलेशन निकालेंगे। अगर हम दोनों में से कोई एक दिया हो दूसरा पूछ रहा हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब हमने मान लिया लेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बी एम, हाँ कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को। तब बताइए डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना मान लें हम, डी मान सकते हैं ना, डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से, यहाँ तक सही है। अब देखिए सिंस मोलैरिटी इज एम, क्योंकि मोलैरिटी हमने कितना माना, कैपिटल एम, इसका मतलब एक लीटर सॉल्यूशन में, हाँ एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एम के बराबर होंगे। देखिए ये दिया है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी एम। इस लाइन को बड़ी ध्यान समझिएगा। देखिए अगर किसी चीज की मोलैरिटी दी आपको 3 मोलर, कितना 3 मोलर, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि हाँ 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, या आप यहाँ को 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 लीटर की वैल्यू 1000 मिलीलीटर होती है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमें ये बताइए अगर हम आपको मोलैरिटी 7 मोलर दे दें, कितना 7 मोलर, तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, हाँ 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, हाँ कितने होंगे 7 आएंगे। जितनी मोलैरिटी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है या 1000 मिलीलीटर है, कह सकते हैं ना। तब देखिए अगर हम कहें कि आपकी मोलैरिटी एम है, देखिए जब ये 3 मोलर था तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आए, 3, जब ये 7 था तो कितना आया 7, अगर 10 होता तो कितना आता 10, अगर ये एम है तो कितना आएगा, हाँ एम आएगा ना, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। देखिए अब आपको ये समझ में आएगा हमने क्या लिखा है, क्योंकि देखिए सिंस मोलैरिटी इज एम, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन विल बी आल्सो एम। अब ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया ना। अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, हाँ मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो देखिए ये आपने निकाल लिया था, अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेंगे, सॉल्यूट को किससे प्रेजेंट करते हैं, 2 से, W2। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, अभी तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कितना हमने माना है एम, तो इस एम को डाके इसके जगह पर रख दीजिए और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को ऐसे कॉपी कर लीजिए। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, सिंस डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो D3 का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, W3 का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन एंड V3 का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, किसकी मास ऑफ सॉल्यूशन का, तो हम क्या करेंगे इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो देखिए इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है अपॉन में,
इधर आने के बाद किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, कर सकते हैं ना। चलिए अब देखिए, अब आपने क्या किया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को डी लिख दिया, क्यों, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में मान रखा था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, डी ग्राम पर एम एल, आपने डी लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपने वहां पे क्या माना था, डी ग्राम पर एम एल माना था, यानी कि वहां पे जो यूनिट लिया था आपने वो किस में था, मिलीलीटर में, और आपका जो वॉल्यूम है आपका कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर, तो 1 लीटर को अगर मिलीलीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी इंटू 1000, डेंसिटी की जगह पर डी, वॉल्यूम की जगह पर 1000 ml हो जाएगा, कर सकते हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करके क्या लिख लीजिए, 1000 × d, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। चलिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन बना W2 = m × molar mass of solute, एक ये क्वेश्चन बन गया, दूसरा हमारा क्वेश्चन बन गया मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 times ऑफ डेंसिटी, बन गया ना। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज कर लीजिए, ठीक है, किस में, इस वाले फॉर्मूला में, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ये देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये मास ऑफ सॉल्यूट, दोनों का ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होना चाहिए, तो बस अब इन्हीं वैल्यूज को उठा के आप इसमें रख लेंगे। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी ये दिस मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला अगर आप बनाने चले, किसका, मास ऑफ सॉल्वेंट का, तब क्या लिखेंगे, इसको आप इधर लेके जाएंगे, इधर देखिए पॉजिटिव रिलेशन है, इधर आने के बाद कैसा हो जाएगा वो, नेगेटिव का, यानी कि W3 - W2 हो जाएगा। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन हमने ऊपर कैलकुलेट किया था क्वेश्चन नंबर 2 से, कितना आया, 1000 × d, यानी कि 1000 times ऑफ डेंसिटी, माइनस ये क्या हमारा, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जब हम सॉल्व किए थे तो वहाँ पे हमने निकाला था W2 = molarity × molar mass of solute, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए W2 = molarity × molar mass of solute, यही रिलेशन है ना, तो चलिए इस रिलेशन को हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, W2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, इसको बना दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, दिस विल गिव अस द मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ तक सही है। चलिए अब तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला, हाँ क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, ठीक है। अब हमें बताइए कि हमारा मास किस में दिया रहता है, जनरली ग्राम में, तो हम किलोग्राम को ग्राम बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे ऊपर, तो क्या हमारा रिलेशन ऐसा बन जाएगा, क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आए थे, मोलैरिटी के इक्वल आया था, यानी कि एम आ गया। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने लिख लिया W1 × ग्राम, और ऊपर क्या कर दिया हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ किलोग्राम में था यहाँ ग्राम में, इसलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए आगे मोलैलिटी का फॉर्मूला है, मैं अब क्या करिए एम को वैसे रहने दीजिए, 1000 को वैसे रहने दीजिए। अब देखिए W1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से रखिए, इक्वेशन नंबर 3 में W1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 1000 × d माइनस मोलैरिटी, ध्यान रहे ये मोलैरिटी है, इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था ना, आप चाहे तो एक बार देख लीजिए, देखिए 1000 × d माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दीजिए W1 के जगह पे, रख सकते हैं क्या, तो देखिए आपका बन गया फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 times ऑफ मोलैरिटी, ये कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी अपॉन 1000 times ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये बन गया आपका कंप्लीट रिलेशन। अब आपको ये पूरा डेरिवेशन नहीं याद रखना है, आपको ये रिलेशन याद रखना है बस, रख सकते हैं, तो चलिए आप इसको याद रखेंगे, इसके साथ साथ आप यहीं पे कहीं
इसको नोट करने से पहले आप एक चीज़ और मेंशन कर लीजिएगा, वेयर। आपको पता रहना चाहिए ना कौन सी यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए स्मॉल m रिप्रेजेंट्स टू मोलैलिटी, और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे आप, मोल पर किलोग्राम या मोलल। ये देखिए कैपिटल m किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैलिटी को, यूनिट मोल पर लीटर या फिर मोलर। नेक्स्ट देखिए डी, डी क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट ग्राम पर मिलीलीटर। ये कैपिटल एम वही ऊपर है मोलैरिटी वाला। ये जो MM2 है, MM किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर मास को। नंबर टू किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को। दिस इज द मास ऑफ, आप लिख लीजिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, क्योंकि मोलर मास हम किस में लेते हैं, ग्राम में। तो सारे यूनिट्स का ध्यान रखेंगे आप। अब आइए स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है देखिए, कैलकुलेट द मोलैलिटी, हमें मोलैलिटी निकालना है ऑफ टू मोलर NaOH। हमें कुछ डिटेल्स दिया गया है, यानी कि मोलैलिटी दिया है कितना, टू मोलर का मतलब मोलैलिटी है टू। NaOH का सॉल्यूशन है, यानी कि ये हमारा क्या है, सॉल्यूट। और डेंसिटी हमें दिया है 1.2 ग्राम पर ml। तो बस हमसे मोलैलिटी पूछा है, तो बताइए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1000 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी अपॉन, हाँ 1000 टाइम्स ऑफ, यहाँ लिख लीजिए 1000 टाइम्स ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वैल्यू रख दीजिए उठा के, देखिए 1000 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना दिया हमें, 2 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, यहाँ रख लीजिए 1000, डेंसिटी की वैल्यू है 1.2, ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए इनको, माइनस फिर से मोलैरिटी की वैल्यू रखिए 2 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 2000 अपॉन, नीचे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1200 माइनस 40 और कितना था, 280। एक बार चेक कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 एंड 42 या 80, सही है। इसको सॉल्व करिए, देखिए आ जाएगा 2000 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 1120। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, 50, 4 से कैंसिल करिए तो 50 टाइम्स और 4 2 जा 28 टाइम्स, अभी भी कैंसिल हो जाएगा, किस से बोला था, 2 से हो जाएगा ना, दिस विल बी 25 अपॉन 14, इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए हो जाएगा 14 1 जा 14 11 एंड 10, कितना हो जाएगा 110, सो 14 7 जा 98 98 एंड 12 120, 48 जा 112, 1.78 के आसपास आएगा, क्योंकि हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे थे, यूनिट क्या लिख देंगे हम, मोलल। आप आंसर चेक कर लीजिए, देखिए आंसर आएगा 1.78 मोलल। कर सकते हैं, हाँ आपको पूरा डेरिवेशन नहीं रटना है, आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। हाँ अभी आपके माइंड में चल रहा होगा सर अभी और कितने बचे हैं, बस एक मोल फ्रैक्शन ये पढ़ाएंगे, उसके बाद एक और कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, हाँ जिसको हम PPM और PPB बोलते हैं, उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हो जाएंगे, फिनिश, और उसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, यानी कि आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए मोल फ्रैक्शन को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, एक्चुअली ये एक्स नहीं है, एक्स की तरह दिखता है, इसका नाम होता है काई, क्या होता है,
काई, देखिए शायद ये आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ से लिख लीजिएगा CHI। हाँ, इसको ची नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? काई। लेकिन इन जनरल हम हमेशा इसको XX ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? X ही बोलेंगे। चलिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, बहुत सिंपल सा है। कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट या कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट, टू द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। अब ये बहुत सिंपल सी बात होती है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन सी बात छोड़िए, मेरे पास एक बैग है, ठीक है, बैग दिख रहा है, ये तो टब बन गया, बकेट, चलिए कोई नहीं। मान लीजिए ये कोई कैरी बैग है, मान तो सकते ही हैं आप। हमें ये बताइए इसमें से अगर हमसे पूछ लिया जाए, हाँ, नंबर ऑफ, या फिर आपसे पूछ लिया जाए फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स, फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स, यानी कि इसमें रेड बॉल्स की क्या फ्रैक्शन होगी, तब क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना है, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स या नंबर ऑफ रेड बॉल्स? हाँ, क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स कितने हैं काउंट कर लीजिए, देखिए 10 है क्या, 3, 3, 6, 4, 10, हाँ, ये होता है इसका फ्रैक्शन। ये तो है नॉर्मल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, जहां जहां हमने नंबर लिया है वहां वहां हमें क्या लेना पड़ेगा, मोल्स लेना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें ये लिखना रहता मोल फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स, तो हम यहां लिखेंगे मोल्स ऑफ रेड बॉल, ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मोल्स, नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल मोल्स। तो यही होता है मोल फ्रैक्शन। आइए वापस से देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको हमेशा ये याद रखना, हमेशा ये ट्रू है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज 1। जितने भी मोल फ्रैक्शंस होंगे अगर आप सबको ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। एक्चुअली कोई भी चीज़ हो वो कितनी होती है 100% परसेंटेज में, अगर हम 100% की एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो देखिए 100 और परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1। यानी कोई भी चीज़ कंप्लीट 1 होती है। जब हम मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, मान लीजिए किसी का 1/2 आया, किसी का 1/4 आया और किसी और का 1/4 आया, जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे जितने भी फ्रैक्शन हैं तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 आती है। आप चाहे तो चेक कर ले वो कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो आपको याद रखना है किसी भी सॉल्यूशन में, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो चलिए आइए सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है तो बताइए किससे किससे बना होगा, हाँ सॉल्यूट से, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूट, और किससे बना होगा, सॉल्वेंट। अब मान लीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आता है एक्स और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आता है वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 के इक्वल ही आएगी। हाँ, हमेशा 1 के ही इक्वल आएगी, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा अब चलिए, खैर यहाँ पे भी वो चीज़ होगा ना, यहाँ से देख लीजिएगा, जब इरेज हो गया तो छोड़ ही दीजिए उसको। देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलके बना है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अच्छा मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट के लिए नंबर 1 यूज करते हैं, नंबर 2, हाँ नंबर 2 ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिखेंगे, काई 2। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिखेंगे, काई 1। तो ये काई 1 और काई 2 की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल ही आएगी। यानी कि जितने भी मोल फ्रैक्शंस हैं सबको ऐड कर दिए तो किसके इक्वल आना चाहिए, वो 1 के इक्वल आना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, वो ये कहना चाहता है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट खुद से निकाल सकते हैं। कैसे, इस रिलेशन से, ये दिया आपको इस वैल्यू को उड़ा के इधर लेके आएंगे तो माइनस में कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे।
मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया 0.03, कितना दिया है 0.03, और आपसे कह रहा है बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तब क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो x1 लिख लीजिए या काई1। x2 की वैल्यू आपको दी गई है, उठा के रख दीजिए 0.03 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.03, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, आई थिंक 0.97 आ जाएगा। तो देखिए जब भी आपको किसी एक का सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है तो आपको वहां पे दूसरे का निकालना है, और उसके लिए कुछ नहीं करना होता, जो वैल्यू दिया है उसको 1 में से माइनस कर लीजिए, आपको दूसरी वाली वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई2, काई2 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए किसके मोल्स रखेंगे ऊपर, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अच्छा अगर आपसे यूनिट पूछ लिया जाए तो ये हमेशा क्या होते हैं, यूनिटलेस। क्यों, क्योंकि देखिए ये वैल्यू भी मोल्स में आएगी, ये वैल्यू भी मोल्स में आएगी, मोल से मोल्स क्या हो जाएंगे कैंसल, यानी कि मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होते हैं, यूनिट लेस। अब देखिए आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए खुद से, तुरंत हो जाएगा। देखिए इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0.3, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है, यानी कि क्या दिया आपको, काई2 दिया है, दैट इज 0.3। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, निकाल सकते हैं, हाँ क्या लिखेंगे, काई1 प्लस काई2 शुड बी इक्वल टू 1। काई1 हमें निकालना है तो हम लिखेंगे काई1 इज इक्वल टू काई2 की वैल्यू, मतलब लिखिए 1 माइनस, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, काई2 की वैल्यू दिया है कितना 0.3, सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 0.7। यूनिट क्या आएगी, कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। आप देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको एक छोटा सा रिलेशन इसमें बना के दिया जाएगा, वो रिलेशन आपको याद रखना है, वो रिलेशन आप खुद से भी बना सकते हैं। देखिए क्या है, अभी आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि काई2 का फॉर्मूला बनाया था, क्या आया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। फिर देखिए इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये देखिए ये हो जाएगा n2 अपॉन nt डिवाइडेड बाई n1 अपॉन nt आ जाएगा। देखिए एंटी से एंटी कैंसिल हो जाएगा, कैसे, ये वाला एंटी ऊपर जाएगा, ये वाला एंटी नीचे आ जाएगा, एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा देखिए ध्यान से, को सॉल्व करने के बाद आपको बचेगा काई2 अपॉन काई1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ आपको डेरिवेशन से याद नहीं रखने हैं, आपको ये याद रखना है, कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में, हाँ अगर आपको किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे दिया जाए 0.6, ठीक है, और आपसे मोल्स ऑफ रेशियो पूछ लिया जाए, मोल्स रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे, 1 माइनस 0.6, सॉल्व करेंगे देखिए आ जाएगा 0.4, ये कर सकते हैं ना। तो बस इसके बाद उठाकर रिलेशन में रख लीजिए, काई2 अपॉन काई1 किसके इक्वल होता है, n2 अपॉन n1, बताइए n2 की वैल्यू चाहिए तो हमें निकालना है ना, काई2 की वैल्यू पता है कितनी 0.4 अपॉन काई1 की वैल्यू 0.6, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू 0.4। तो डेसिमल ये उड़ा दीजिए इनको, 4/6 इसको कैंसिल करेंगे 2/3 आ जाएगा, यानी कि ये आ गई आपकी
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की रेशियो कर सकते हैं। हाँ, कई बार आपको ये दे देगा तो वहाँ से आपको ये डेटा निकालने है आना चाहिए। तो देखिए ये छोटा सा रिलेशन है जो कि आपको माइंड में रखना है, क्या है, काई टू अपॉन काई वन इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। चलिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। इफ़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 0.2 इन द एक्वस सोल्यूशन। अब देखिए एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, हाँ वाटर में डिजॉल्व होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, सॉल्यूट, किस में डिजॉल्व किया गया है, वाटर में, एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए। इसमें कह रहा है अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए ओ एच यानी कि सॉल्यूट दिया है 0.2, तो काई टू हमें तो दे दिया है 0.2, बताइए हम क्या यहाँ से काई वन की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, 1 - 0.2 सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 0.8 कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू 1। इस रिलेशन का यूज करके आप काई वन की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये तो निकल गया आपको ये रेशियो। और देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। अब देखिए इसके लिए आप क्या करिए, एन टू अपॉन एन वन निकाल लीजिए, किसके इक्वल होती है, एक्स टू अपॉन एक्स वन के, और एक्स टू की वैल्यू कितनी है 0.8, और एक्स वन की वैल्यू कितनी है एक्स टू की वैल्यू 0.2 और इसकी वैल्यू 0.8। इसको सॉल्व करिए तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा ना। चलिए अब आप क्या करिए, जैसे ही आपको रेशियो मिल जाता है, ये कौन सा रेशियो है, मोल्स का रेशियो ना, आप इसको किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इनके मोल्स बना लीजिए। तो हमने लिख लिया लेट द मोल्स ऑफ पहला सॉल्यूट बी, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट वन है ना, वन में कोई एक वेरिएबल चूज कर लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया पी, तो 1 × p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल सा पी आ जाएगा। उसी तरह से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट देखिए कितना था यहां पर रेशियो में 4, इसमें पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ये कहां गया, ये पी आया था और ये आ जाएगा आपका 4p, ये सॉल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आप क्या करिए, आप इनके मास कैलकुलेट कर लीजिए, क्या मास। अब देखिए हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो W2 आपको मोल्स पता है ना, मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो W2 के वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी P इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है क्या हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास कितना आता है 40, तो P इंटू 40 ये वैल्यू आ जाएगी 40p, ये आ गया हमारा W2। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे W1, वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आपका 4p इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वाटर है, वाटर का मोलर मास 18, इसको 18 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ जाएगा 72p आ जाएगा। ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप क्या करिए, उसको फॉर्मूले में यूज कर लीजिए, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, बताइए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया था, पी इंटू 1000, नहीं पी नहीं आया था, आई थिंक 40p आया था, हाँ 40p, याद कीजिए 40p इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, एनओएच है ना, तो कैलकुलेट करेंगे 40 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है 72p, देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1000 अपॉन 72, इसको सॉल्व कर दीजिए आपको आपकी आंसर मिल जाएगी, 72 है ना 10
14 या 13 के आसपास आने चाहिए, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, आप कैलकुलेट करके आंसर रख लेंगे। हाँ देखिए आंसर आएगा आपका 13.88 आंसर आएगा, क्योंकि मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी, मोलल या मोल पर किलोग्राम। अब आपका ये होमवर्क रहेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। आंसर आपका यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, कर सकते हैं। चलिए अब ये हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है। हाँ एक मिनट हम टाइम चेक कर लें, कितना 41 मिनट्स। हाँ ठीक है, नियर अबाउट मेरे पास अभी 18-19 मिनट्स हैं, उतने में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देखिए क्या पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन, अब मिलियन और बिलियन का मतलब समझ लीजिए। हाँ मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, या फिर आप इसको ऐसे याद रखिए 10^6 का ऑर्डर होता है। उसी तरह बिलियन की अगर बात आप करेंगे तो ये होता है 10^9 का ऑर्डर, सही है, समझ सकते हैं। ये तो मैथ्स में आप पढ़ रखे हो ना, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो जब आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिखाया जाता है मिलियन बिलियन ट्रिलियन। तो मिलियन 10^6 का ऑर्डर होता है, बिलियन 10^9 का। अगर आपसे कोई ट्रिलियन का पूछ लेता है तो आप बोलेंगे 10^12 का, लेकिन हमें तो जो सीखना है वो क्या है, सिर्फ मिलियन और बिलियन का। देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पहले अच्छे से समझ लीजिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत ही कम अमाउंट में होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये बहुत ही कम अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में है। तो ऐसे चीज़ें जिनकी अमाउंट बहुत ही कम होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ppm या ppb का यूज करते हैं। ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। अब देखिए अगर दोनों में से एक वैल्यू है जो काफ़ी छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, जब हम उसको ऐसे नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ppm या ppb यूज करते हैं। तो चलिए अगर 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, कितना 10^6 ग्राम यानी कि 1,000,000 ग्राम सॉल्यूशन में, मान लीजिए आपके पास, उसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 1,000,000 ग्राम का सॉल्यूशन है, मिलियन ग्राम, हाँ मिलियन ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें 3 ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया, कितना 3 ग्राम। अब देखिए 1,000,000 में अगर 3 ग्राम मिलाया गया है तो हम उसको बोलेंगे उसकी ppm कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कितनी 3, बात समझ में आ रही है। हाँ अगर ये कह दे कि 1,000,000 या 10^6 ग्राम में 5 मिलाया गया है, 5 ग्राम सॉल्यूट, तो बताइए उसका ppm कितना आएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 10^6 ग्राम में कितना सॉल्यूट है यही अमाउंट उसकी क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। वैसे ही अब बताइए 10^9 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 4 ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है तो इस सॉल्यूट का, हाँ इस सॉल्यूट का परसेंटेज ppb, परसेंटेज नहीं, आप पार्ट्स पर बिलियन की अभी पहले बात कर लीजिए, परसेंटेज से डील करेंगे तो पार्ट्स पर बिलियन की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 10^9 का ऑर्डर था तो हम यहाँ पार्ट्स पर बिलियन डिफाइन करेंगे। 10^9 में अगर 4 ग्राम मिलाया गया तो यही उसकी ppb हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए मेरे पास वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया, 20 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम सॉल्यूट, मान लीजिए 20 ग्राम सॉल्यूशन है आपके पास और उसमें 4 ग्राम सॉल्यूट है, कितना
चार ग्राम सॉल्यूट है और आपसे इसका ppm कंसंट्रेशन या ppb कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। तो पहले तो एक काम करिए, इसको 1 ग्राम बनाइए। तो लिखिए 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस, क्या करेंगे इस नंबर को उड़ा के उधर लेके जाएंगे, यानी कि डिवाइड हो जाएगा 4/20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर दीजिए या फिर ऐसे छोड़ दीजिए। अब देखिए, अगर हमें ppm निकालना है तो ये सॉल्यूशन कितना लेना होगा, 10^6 ग्राम। चलिए ले लेते हैं 10^10 यहाँ लिख लीजिए 10^6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंट्स। अब देखिए 1 में इस नंबर का मल्टीप्लाई किए तो सेम नंबर क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4/20 × 10^6। इससे इसको डिवाइड करिए, देखिए हो जाइएगा 5, और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, देखिए हो जाएगा 0.2। 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी ना, हाँ ठीक है, 0.2 × 10^6। ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी पार्ट्स पर मिलियन की आ गई। अगर ऐसे ही आपसे ppb पे पूछा जाता तो आपको पता है पहले से कि ppb हमें 10^6 का ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें किसका ऑर्डर चाहिए, 10^9 का। 1 ग्राम में किसका मल्टीप्लाई कर देते, 10^9 ग्राम का। इधर मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होता, वो कितने से, 4/20 × 10^9 से। फिर सॉल्व करते तो ये 0.2 × 10^6 आया है, वो कितना आएगा, 0.2 × 10^9 आ जाएगा। कर सकते हैं, चलिए ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा है। देखिए ppm का फॉर्मूला बनाना है तो क्या लिख लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना W2 इन ग्राम, यहाँ पर चाहें तो आप लिख लीजिएगा इन ग्राम, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में रहेगा, ग्राम में, मल्टीप्लाई बाई 10^6। यही मान लीजिए फॉर्मूला आपसे करेगा, बताइए पार्ट्स पर बिलियन के लिए, तब क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10^9 लिख देंगे। अगर आपसे पार्ट्स पर ट्रिलियन पूछ लेता तो ये वैल्यू तो सेम रखेंगे, ये वैल्यू को क्या कर देते हैं, 10^12 कर देते हैं। कर सकते हैं, तो चलिए अब हम किसकी बात कर लेते हैं, ppb की बात कर लेते हैं। देखिए पार्ट्स पर बिलियन कैसे डिफाइन करेंगे, कैन बी डिफाइन एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10^9 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, ppb इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^9। अब इनका यूज देख लीजिए, हम इनका यूज कहाँ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन ppm कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन लाइक पॉल्यूशन इन एयर। हाँ, आपने कभी सुना, न्यूज में आता रहता है कि इस समय दिल्ली का एयर पोल्यूशन इतना ppm है। हाँ, यानी कि जब अमाउंट बहुत छोटी हो तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन में। एंड फ्लोराइड एंड क्लोराइड सॉल्ट्स इन वाटर, वाटर में बहुत ही कम अमाउंट में फ्लोराइड और क्लोराइड के सॉल्ट्स मिलते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम ppm या ppb का यूज करते हैं। अब देखिए ये जो ppm और ppb का फॉर्मूला बनाया है उसको हम एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी ppm का फॉर्मूला लिखते हैं, पहले हम क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10^6। अब ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला आपको याद होगा वेट बाई वेट परसेंट का। हाँ, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि W3 इंटू 100 होता है। ये देखिए W2 बाई W3 ये तो मैच कर रहा है, हमें क्या चाहिए 100, तो हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, W2 अपॉन W3 इंटू 100 इंटू 10^4। बोले ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 4 और 2 जीरो यहाँ पे 5 6, इसी के इक्वल आएगा, आएगा ना। तो बस अब आप तो समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों लिखा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, वेट बाई वेट परसेंट। हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेट बाई वेट परसेंट इंटू 10^4। ये भी वैल्यू किसकी आएगी, ppm की आएगी। ऐसे ही क्या हम ppb के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए
ये रटना नहीं है, आपको ये निकालने आना चाहिए, ठीक है। कई बार आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दे के पीपीएम या पीवी पूछ लेता है। तो देखिए पहले पीवी का नॉर्मल फॉर्मूला लिखिए, क्या है, W3 इंटू 10^9, क्योंकि बिलियन का ऑर्डर है। अब आप क्या करेंगे, इसको W2 / W3 लिखेंगे और इसमें से 100 बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 100 × 10^7। उसके बाद ये पूरा टर्म आपका क्या है, वेट बाई वेट परसेंट, तो इसको हटा के यहाँ क्या लिख देंगे, वेट बाई वेट परसेंट इंटू क्या बचा आपका 10^7। ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका, PPB का, पार्ट्स पर बिलियन का। कर सकते हैं, चलिए एक बार देख लीजिए फॉर्मूला। PPM का फॉर्मूला W/W% × 10^4, PPB का फॉर्मूला W/W% × 10^7। चलिए अब हम आपको समराइज करा देते हैं, आपके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स फिनिश हो गए, ठीक है। अब हम आपको समराइज कराते हैं कि आपने पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या सीखा और उनके फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक जगह हम करा देते हैं, आधे से ज़्यादा तो आपको याद हो गए होंगे, और अगर जो बचे हैं आप उनको 2-3 दिन लगातार देखते रहिए, अपने आप याद हो जाएंगे। फॉर्मूले याद करने का एक फ़ायदा, क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना, और तुरंत आप आंसर अपना निकाल लेंगे। चलिए पहला कंसंट्रेशन हमने क्या पढ़ा था, वेट बाय वेट परसेंट। हाँ, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्यों 100 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ये डब्ल्यू क्या सब रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए W2 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह से वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होता है। पीछे में डिराइव करा रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ये है, तो हम क्या करेंगे, इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या बना लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये जो वॉल्यूम लीटर में दिया उसको किसमें बना लेंगे, मिली लीटर में। तो क्या करना होगा, उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर सकते हैं, तो चलिए इसके साथ आपने मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला भी सीखा था, हाँ, 10 × डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए टर्म में भी सीखा था आपने। अच्छा, अभी भी आपने देखा है ये पूरा टर्म किसके इक्वल होता है, हाँ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के। इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला होता है, 10 × वेट बाय वॉल्यूम परसेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर W1, ठीक है। अब क्योंकि अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमें मास में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि W2 / mm³ × ये किलोग्राम को हम क्या बना देंगे, ग्राम में। तो ये लिख देंगे हम W1 × ग्राम, उसके लिए क्या करना होगा, 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन आज ही हमने बताया आपको, हाँ, ये भी आपको बताना चाहिए। कई बार मोलैरिटी देखे मोलैरिटी पूछ लेगा, या मोलैरिटी देखे आपसे मोलैरिटी पूछा जा सकता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है 1000 times ऑफ मोलैरिटी अपॉन 1000 times ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। उसके बाद हमने एक रिलेशन बनाया था, क्या था हमको, आपको ये याद रखना होगा, कई बार आपको यहाँ से रिलेशन से डेटा निकालने आना चाहिए।
तो वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर उसके बाद हमने देखा कि जितने भी मोल फ्रैक्शंस होंगे उनका टोटल सम हमेशा कितना आएगा, वन। देखिए ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, ये वन के इक्वल ही आएगा। फिर हमने नया फॉर्मूला सीखा ppm के लिए, पार्ट्स पर मिलियन, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6, क्योंकि मिलियन के लिए कह रहा है। अगर हम इसको वेट बाई वेट में कन्वर्ट करें तो ये क्या होता है, -2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा वेट बाई वेट परसेंट इंटू 10^4। अभी हमने इसको करके दिखाया, वैसे ही ppb का फॉर्मूला बताइए। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^9, वेट बाई वेट परसेंट में ये 9 की जगह क्या हो जाएगा, 7, यानी कि वेट बाई वेट परसेंट इंटू 10^7। ये है आपके कंप्लीट कंसंट्रेशन के फॉर्मूले जो कि आपको याद होने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को होमवर्क दे देना चाहिए। क्या है आपको ये 1.5 है ना, अगर अच्छे से ना दिख रहा हो तो आप नोट कर लीजिएगा, 1.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया है, यानी कि ये है आपका सॉल्यूट, ये है इसकी मोलैरिटी कितनी, 1.5। आपको डेंसिटी दिया गया 1.2 और आपसे कहा है मोलैरिटी निकालिए, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ppb कंसंट्रेशन और ppm कंसंट्रेशन। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं। चलिए सबका आंसर लिखा दें, नहीं आप कर लीजिएगा आराम से, आपको आंसर क्या लिखाना है, pdf जब आपको मिलेगा, pdf में सारे आंसर और सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। अब आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ठीक है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको ये काम करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास से NCERT के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चैप्टर यहीं फिनिश होता है, टिल दैट थैंक यू सो मच।